नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ये जो दिल्ली पुलिस वैकेंसी निकाली गई थी, 5846 पदों पर निकाली गई थी दोस्तों। इसके लिए एग्ज़ाम हो चुका है, इसके लिए फिजिकल हो चुका है। अब आप लोगों की मेरिट लिस्ट लगनी है, वो भी डॉक्टरी के लिए, यानी कि मेडिकल के लिए। आप लोगों का एक तो एडमिट कार्ड जारी करना है और सबसे पहले लगानी है इनको मेरिट। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मेरिट लिस्ट कब तक लगेगी। भाई, आप लोगों को पता होगा, अभी 8 अगस्त को इनके फिजिकल संपन्न हुए थे, ठीक है, क्योंकि कुछ रिजर्व डे में फिजिकल रखे गए थे। तो लगभग सभी को मिलाकर 8 अगस्त तक लगभग पूरा कर लिया गया था। अब मेरिट लिस्ट आप लोगों की, जो रेस में क्वालिफाई हुए हैं, जिन्होंने दौड़ पूरी कर ली है, ठीक है, यानी फिजिकल पूरा कर लिया है, भाई उनकी मेरिट लिस्ट कब तक लगेगी। दोस्तों, आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट यही इंतज़ार कर रहे हैं, और दिल्ली पुलिस के चक्कर में एसएससी, जीडी और जो अन्य परीक्षाएं हैं उनकी तैयारियां भी नहीं कर रहे हैं। भाई, आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस में पदों की संख्या 5846 के समथिंग में थी, और जो कैंडिडेट हैं लगभग, जिन्होंने दौड़ क्वालिफाई की है, वो 8 से 10 हज़ार कैंडिडेट के समथिंग में हैं, ठीक है, जिन्होंने दौड़ पूरी कर ली है। अब बात आती है यहाँ पर मेरिट लिस्ट की, तो 8 से 10 हज़ार कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट बनाने में ज़्यादा समय इनको नहीं लगेगा। हो सकता है इस महीने के अंत तक, ठीक है, यानी सितंबर महीना चल रहा है, सितंबर महीने के अंत तक आप लोगों को ये मेरिट लिस्ट जारी करके दे दें। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बार बार कमेंट करके एक ही बात पूछी जा रही है कि सर, दिल्ली पुलिस की मेरिट लिस्ट कितनी बढ़ जाएगी, कितने नंबरों पर सिलेक्शन हो जाएगा। भाई, 61 पॉइंट कुछ पे लगी थी जर्नल की दिल्ली पुलिस में, ठीक है, अब वो कितनी सरक सकती है। भाई, इसका तो कैलकुलेशन लगभग लगभग दोस्तों ये बनता है कि ये जो मेरिट है लगभग 1 से 2 नंबर बिल्कुल सरक सकती है, ठीक है, 1 से 2 नंबर बिल्कुल सरक सकती है, और मेरिट लिस्ट बताएगी एग्जैक्ट आंकड़ा आप लोगों को जब भी मिलेगा। तो कहने का मतलब, मेरिट लिस्ट आप लोगों के लिए दोस्तों इस महीने के अंत तक बिल्कुल बनकर आ सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, इसकी अगली वैकेंसी भी आ रही है, उसका भी अनाउंस हो गया है। लगभग 6269 के समथिंग में पोस्ट हैं जो अगली वैकेंसी के रूप में आ रहे हैं। तो भाई, जिनका सिलेक्शन यहाँ नहीं हो वो परेशान ना हो, दुखी ना हो, ठीक है, दुखी मन को बटोर के सवार के अगली वैकेंसी की तैयारी करते हैं, क्योंकि अगली वैकेंसी भी बहुत जल्दी आ रही है, ठीक है, क्योंकि अभी से तैयारी करने लगेंगे तभी जाकर कुछ कर पाएंगे एग्ज़ाम में, वरना इसी की तरह जैसे इस एग्ज़ाम में हुआ है इसी की तरह हो जाएगा, कोई पॉइंटों से निकल जाएगा, कोई कहीं कोई कहीं। तो भाई, अभी से अपनी तैयारी को अंजाम देना शुरू कर दें, और इसके साथ में नज़र रखें जैसे कि एसएससी जीडी की अच्छी वैकेंसी है, 25 हज़ार के समथिंग में पोस्ट हैं, उसकी तैयारी भी रखें, ठीक है। अदरवाइज़ अन्य विभागों में जो भी वैकेंसी जहाँ पर भी आती हैं उन पर भी अपनी नज़र गड़ाए रखें। दोस्तों, फिलहाल इतना ही कहूँगा मैं, ये जो मेरिट लिस्ट है कब तक आएगी, तो इस महीने के अंत तक मेरिट लिस्ट आने की पूरी पूरी संभावना है।